नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। सीबीआई का बड़ा एक्शन, लह में एनबीसीसी का डीजीएम 5 लाख की रिश्वत लेते हुए दिल्ली में गिरफ्तार, ठेकेदार से मांग रहा था रिश्वत। बारिश से हुई तबाही के बाद केरल के वायनाड पहुंचे राहुल और प्रियंका गांधी, लैंडस्लाइड पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। झारखंड बीजेपी के 18 विधायकों को विधानसभा से किया गया निलंबित, नेता प्रतिपक्ष बोले सरकार के इशारे पर हुई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकती है इलेक्शन, चुनाव आयोग बना रहा है जम्मू कश्मीर दौरे की योजना, राज्यों में 30 सितंबर से पहले हो सकते हैं वोटिंग। दिल्ली के जैतपुर इलाके में करंट लगने से एक शख्स की मौत, तो वही ग्रेटर नोएडा दादरी में बारिश की वजह से गिरी दीवार, 2 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में भारी बारिश से कई जगहों पर हुआ जलभराव, आज राजधानी के सभी स्कूल रहे बंद। बात करें सोने चांदी के भाव की, तो सोना 596 रुपये बढ़कर 69,905 पर पहुंचा, तो वहीं चांदी 568 रुपये बढ़कर 83,542 रुपये प्रति किलो बिकी। ऑल टाइम हाई रहा शेयर बाजार, सेंसेक्स ने 82,129 और निफ्टी ने 25,078 का स्तर छुआ। ऑटो और मेटल शेयर में रही तेजी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। इंडियन नेशनल लोकदल व बहुजन समाज पार्टी गठबंधन विधानसभा चुनाव में मजबूती से मैदान में उतरने के लिए 10 अगस्त को पृथला विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांव मोहना में अपनी एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। दरअसल इस रैली को इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला और बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद संबोधित करेंगे। वही रैली को सफल बनाने के लिए दोनों दलों के नेताओं ने इनेलो के कार्यालय पर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बता दें कि रैली को लेकर आयोजित दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने इस बैठक को संबोधित करते हुए इनेलो के जिलाध्यक्ष देवेंद्र चौहान ने कहा कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सांसद ने कभी जनता की परेशानियों की तरफ मुड़कर नहीं देखा। लोगों को उमस भरी गर्मी में ना तो पानी मिल रहा है और ना ही बिजली मिल रही है, तो वहीं बसपा प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज चौधरी और जिलाध्यक्ष सरदार उपकार सिंह ने कहा कि दोनों दलों के कार्यकर्ता रैली को ऐतिहासिक बनाकर सफल करेंगे। रैली से पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा की तैयारियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने जींद के नई अनाज मंडी में बदलाव जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राज्यसभा सांसद ने अपने सभा में अरविंद केजरीवाल की ओर से लोगों को 5 गारंटी देने का वादा किया और कहा कि सरकार ने अरविंद केजरीवाल को कई महीनों से जेल में डाल रखा है। आपको बता दें कि नेता संजय सिंह ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने 4 साल में ही मनोहर लाल को सत्ता से हटाकर उन्हें पहला अग्निवीर बना दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मौजूदा सीएम नायब सैनी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता मुख्यमंत्री सैनी को सत्ता से बाहर करेगी। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, हरियाणा के लोगों को ये बात बतानी जरूरी है, उनके साथ जेल में कोई भी अनहोनी हो सकती है। जहां गुड़गांव महरौली रोड से इफको चौक की ओर जाते समय पेड़ गिरने से तार टूट गया, वहीं जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल गुरुग्राम में भारी बारिश के दौरान यह हादसा हुआ। बता दें बारिश के पानी में करंट फैल गया, इसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। साथ में ये भी बताते चले कि तीनों लोग निजी कंपनी में काम करते थे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने नए आदेश जारी किए हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वह चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग पर ध्यान रखे। बता दें गृह जिले में तैनात और लंबे समय से एक ही स्थान पर ड्यूटी कर रहे अधिकारियों को बदला जाएगा। आपको ये भी बताते चलें कि चुनाव आयोग के पत्र के बाद मुख्य सचिव जल्द ही बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले कर सकते हैं। इसमें HCM, IPS और IAS अधिकारियों के तबादले शामिल हो सकते हैं। चुनाव आयोग के पत्र के मुताबिक हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में
3 नवंबर से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादलों के संबंध में निर्देश जारी करना चुनाव आयोग के लिए सामान्य बात है। आयोग की नीति है कि चुनाव वाले राज्य में चुनाव संचालन में सीधे तौर पर शामिल अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उनके स्थानों पर तैनात नहीं किया जाता जहां वे लंबे समय से तैनात हैं। इसलिए चुनाव में सीधे तौर पर शामिल किसी भी अधिकारी को वर्तमान जिले में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वे अपने गृह जिले में तैनात हैं या पिछले 4 सालों के दौरान उक्त जिले में 3 साल पूरे कर चुका है तो उसका तबादला कर दिया जाएगा। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां बुधवार को देर शाम को बारिश के चलते पूरा शहर जलमग्न हो गया, जो बारिश शहर के लिए आफत बनकर बरसी। कई लोग सड़कों पर बने गड्ढों के चलते बरसाती पानी में डूबते नजर आए। वहीं बल्लभगढ़ में होटल में खाना खाने के लिए आया एक युवक एक नाले में गिरकर बह गया। नाले में गिरे युवक की पहचान प्रिंस 22 साल के तौर पर हुई है। वे आदर्श नगर बल्लभगढ़ का रहने वाला था। हादसे के करीब 12 घंटे बाद गुरुवार सुबह प्रशासन द्वारा रेस्क्यू किया गया। कुछ देर बाद ही प्रिंस का शव नाले में लोहे के सरिये से लटका हुआ मिला। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंप दिया गया है। लोगों में रोष है कि रात को हादसे की सूचना डायल 112 और स्थानीय पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने बीती रात युवक को नाले में खोजने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके चलते युवक की सुबह तक मौत हो गई। बता दें कि जहां पर यह हादसा हुआ है वो मंत्री और विधायक मूलचंद शर्मा का विधानसभा क्षेत्र है। तो ये थी दिनभर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।